हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। ये एक हमारे साथ ये लोग भी हैं, भाई का नाम है सुमित कुंडीर के नाम से इनका एक चैनल है, इन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा गाइज। ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी ज़रा सपोर्ट कीजिएगा। आज का जो हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जा रहे हैं हर्बतपुर, यानी कि थोड़ा सा मार्केट रिएक्शन देखेंगे। तो आज की हम जो राइड स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से, थोड़ा ही इधर हुए हैं अभी एकदम, तो यहाँ से हम अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं और देखिएगा थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन कैप्चर करते हैं। अभी आज हमारे पास है RC 200 प्लस NS 160। क्या बोला तूने? N160। हाँ ठीक है, N160 है। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बने रहिएगा व्लॉग के साथ। फ्यूलिंग बहुत कम है अपने हमारी इसमें गाड़ी में। भाई साहब अभी हम फ्यूलिंग कराएंगे यहाँ पर, डीजल तो नहीं करा रहा हूँ। डीजल करा दिया एक बार, डाला दिया तो भाई साहब उसने बंदे ने डाल दिया था डीजल। चूल्हा हो चुका है तो अब निकलते हैं यहाँ से। सुमित भाई के साथ मेरी पहली राइड है कि हम दोनों साथ में राइड कर रहे हैं। हमने बहुत टाइम से सोच रखा था कि एक राइड हम कॉम्बो करेंगे, बट साथ में टाइम नहीं मिल पा रहा था। कभी ये भी जीते, कभी मैं भी जीता। अभी आज हमारे पास दोनों के साथ सेम टाइम है तो आज हम दोनों निकल पड़े हैं। अपने आर्थिक में ऐसे ही प्लस लगाया था, बट आर्थिक में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो चुकी थी, इसके कारण इसकी मैंने रिमूव कराना पड़ा मुझे। कुछ ऐसे लोग को क्या बोले कि जो एक ही साइड देखकर रोड को क्रॉस कर देते हैं। अगर चलो मान लिया अभी तो बाइक है, अगर मेरी जगह कोई ट्रक होता तो क्या, चलो आगे क्या ही बोलना है आपको, आप लोग कुछ समझदार हो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अभी पता नहीं क्या हुआ है, देख लेते हैं हुआ क्या है। हेलो, यहाँ पे करना है तो फोटो ले। हो गया, हो गया। पहले हम चलेंगे कौन सा साइड, फिर चलेंगे देहरादून रोड पे। ठीक है, चलो विकास नगर नहीं जाएंगे, चले चल चल। तो अभी हम यहाँ पर आए थे, हमारा खाली कैप्चर करने का था कि हरगुट्टू का जो मार्केट है उसी का रिएक्शन कैप्चर करने का था, बट अभी हमने थोड़ा सा आपस में किया है, क्या बोलते हैं, जो भी किया है। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो हम निकल रहे हैं अब विकास नगर। Oh,
भाई मेरी बाइक ही बोल रही होगी कि इसको हो क्या गया आज तो नंबर बाइक का एक बार ये चेक कीजिएगा मैं कुछ भी गलती नहीं करना चाहूंगा। मुझे याद है उस घंटा तेरी राइड जो मैं कर रहा था तो उसमें मुझे पता है कि कैसी हालत हुई थी जब वो गाड़ी हमारे बिल्कुल जस्ट बगल से निकल के गई तो हमें ही पता है हमारी सांस कैसे रुक चुकी थी इस जगह। शायद हमारे विकास नगर में फंक्शन है जिसके कारण विकास नगर को ऐसे सजाया गया है। इतना बड़ा ट्रैफिक है यहाँ कुछ तो है गाइस। यहाँ मैं इधर से चलता हूँ। यहाँ कुछ एक झांकी निकल रही है अलग ही लेवल का सीन हो गया गाइस। अलग ही कुछ कैप्चर हो चुका है। हमारे रमेश भाई ने बोला कि एक सेकंड रुको अंकल जी मुझे निकलने दो और अंकल जी मान गए। अंकल जी को कि एक सेकंड रुको मुझे भी निकलने दो। बोलेंगे कौन है भाई तू ऐसे बोलेंगे शायद मुझे तू कोई नहीं हम खुद ही निकल जाते हैं। भाई इंजन ऐसे हीट हो रहा है अभी ट्रैफिक में ऐसे होता है कि इंजन की ना बैंड बच जाती है अच्छी खासी। बस क्या करें यार ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा। ये अलग ही सीन है भाई। यार ऐसा मत करो भाई कहाँ ठोक रहे हो मुझे। भाई देख रहे हो विकास नगर की भीड़ ऐसे ही रहता है हमारे विकास नगर में। अरे भाई 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 ये क्या हो गया था भाई। इधर से जाओ मैंने बोला कि इधर से जाओ यार। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। देखो गाइस रिएक्शन भाई साहब मैं ना पीछे बार बार देख रहा था जो M160 है इसकी जो आईज दिखाई देती है बहुत ही अलग लेवल की लगती है भाई साहब। क्या यार अगर हमें पता होता ना इधर इस साइड ट्रैफिक होगा तो इधर से निकलते। अब एक काम करते हैं आगे वाले रोड ना अंदर बाहर जाकर निकलते हैं ना। ठीक है ठीक है भाई इधर से हालत खराब हो जाएगी। अलग ही हो गया यहाँ तो भाई। सुमित भाई बोल रहे कि यहाँ अगर मुझे पहले से पता होता है ऐसा कुछ होगा तो यहाँ से नहीं आता मैं। बट मेरा कुछ अलग ही मानना है कि जहाँ ऐसी चीजें होती है वहाँ जरूर घुसना है। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो।
प्लानिंग बनाई है कि वापस हरबलपुर चलते हैं और वहाँ थोड़ा सा स्टॉप करेंगे उसको। जिसने डेली ब्लॉग में पहली बार आया हूँ, यानी कि पहला ब्लॉग है मेरा ऐसे डेली ब्लॉग का, तो इतना आइडिया नहीं है कि मतलब क्या करना है, बट किसी में लगा हूँ मोटो ब्लॉग की तरह कोई अच्छा ब्लॉग ना हो जाए हमारे साथ। को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से मैं यहाँ कॉलेज आता था, ये बात है 2015 से, तो ये चर्च तब भी बन रहा था और आज तारीख है, यार मैं तारीख भूल जाता हूँ आज तारीख कितनी तारीख आज, हाँ आज तारीख है 5 जनवरी 2023, यानी कि अभी तक ये नहीं बना भाई। अभी हम वापस पहुंच चुके हैं हरबतपुर, तो अभी कुछ ज़्यादा लेट हो चुका है, तो हमने डिसाइड किया कि हम घर चलते हैं। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, एक नाले बन तो ब्लॉगिंग। मेरा ना बहुत पहले से यही 2020 से सोचा था मैंने कि मैं एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मतलब मैं करूँ कैसे करूँ, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था इस बारे में। बट इस बार मैंने जो ये सोचा कि इस बार मैंने कुछ सोचा भी नहीं है कि मतलब मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मैंने एकदम से स्टार्ट कर दी है। तो आज का ब्लॉग भी कर था, हम नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि चक्राता राइड का होगा, तो उसमें मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय।